चोरी के शक में दो युवकों को पेड़ से बांधकर पीटने का ये वीडियो देखकर आपका भी दिल सहम जाएगा कि कैसे बेरहमी से दो युवकों को पेड़ से बांधकर पीटा जा रहा है और वहां खड़ी लोगों की भीड़ तमाशा देखती रही। 3 मिनट 7 सेकंड के इस वीडियो में दिखाई दे रहा है कि कैसे बेल्टों के साथ दोनों युवकों को गंदी गंदी गालियां देकर पीटा जा रहा है। वहीं इस मामले की जांच कर रहे पुलिस अधिकारी सतनाम सिंह ने बताया कि इस मामले में पुलिस ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही वीडियो में युवकों की पिटाई कर रहे अन्य को भी गिरफ्तार किया जाएगा और वीडियो के आधार पर इनकी पहचान की जा रही है। 6 तारीख का घटना है, 6/6/2020 की। ये लोकल ही आदमी है, ये कोई ना ट्रकों वाले के जो ये अपना तरपाल वगैरह फटी हुई थी वो वहां से उठा रहे थे। रमेश और एक सतनाम उर्फ लाडी, तो वहां इनके ट्रक वाले के साथ झड़प होगी। झड़प होने के बाद इनके साथ वहां उन्होंने मारपीट करी और फिर ये दौड़ के रमेश अपने घर चला गया। उन्होंने फिर नहीं छोड़े इनको, हरप्रीत उर्फ एपी और ने इनके पीछे पीछे उनके घर चले गए और घर से रमेश को और उस लड़की को फिर घर के अंदर से उठा के और बाहर ले आया अपहरण करके उनका। फिर यहाँ पेड़ के साथ आके जो मारपीट करी इन्होंने, मारपीट करने के बाद वहां भीड़ काफी इकट्ठी होने लगी, तो ये भीड़ को देख के उनके साथ मारपीट करके उनको छोड़ के चले गए। भीड़ ने उनको खोल दिया और वो अपने अपने घर चले गए। इनको धमकी दे गए कि अगर तूने घर में या पुलिस में बताया तो इल्जाम बुरा होगा। उसके बाद फिर ये 8 तारीख को बीमार हो गया रमेश, इसने तब भी अपनी माता को नहीं बताया। 8 तारीख के बाद फिर ये कल इसकी माता इसको पूछने लगी भी ऐसा क्या होया, तू गुमसुम क्यों रहता है। इसने ये बताया भी मेरे को ऐसे ऐसे उन्होंने मारा और मेरी वीडियो बना के वायरल कर दी है मारपीट की, जो इस बदनामी के कारण मैं चुपचाप कल वो माता आई, माता ने मेरे को अपनी कंप्लेंट दी है लड़के के साथ, लड़के ने, और उसमें FIR लॉन्च कर लिया मैंने, FIR लॉन्च करके और हरप्रीत एफी को अरेस्ट कर लिया है। इसमें 5-6 आदमी ने लिफा रखे हैं इन्होंने, एक आदमी को तो पकड़ लिया हमने, बाकियों की मदद तलाश जारी है। पेड़ से बांध के वीडियो वायरल कर रखी है उन्होंने। इसमें मैडम मुकदमा दर्ज करके एक आरोपी हैप्पी हरप्रीत और हैप्पी को अरेस्ट कर लिया है, जिसको कल अरेस्ट कर लिया था और आज पेश अदालत किया जाए।